नमस्कार दोस्तों, सत्योदय मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से राम भक्तों द्वारा किए गए दान से हुआ है। राम मंदिर के लिए देश और दुनिया से करोड़ों भक्तों ने अपनी क्षमता के मुताबिक दान दिया है। राम मंदिर के निर्माण में किसी भी सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है, ये पूरी तरीके से भक्तों के पैसों पर बना हुआ है। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान सूरत के एक हीरा कारोबारी ने किया है। तो आज की हम अपने वीडियो में यही जानेंगे कि सबसे ज्यादा राम मंदिर में दान आखिर किसने किया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करती है। हीरा कारोबारी ने दान देने के मामले में बड़े बड़े उद्योगपतियों को पीछे छोड़ दिया है। सूरत के हीरा कारोबारी लाखी परिवार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 101 किलो सोने का दान किया है। एक बार आप और सुनिए, 101 किलो सोने का दान किया है। सूरत में बड़े हीरे कारोबारियों में से एक दलीप कुमार लाखी के परिवार ने 101 किलो सोना दान किया है, जिसका इस्तेमाल अयोध्या राम मंदिर के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए किया जाएगा। दिलीप कुमार लाखी सूरत के सबसे बड़े हीरा फैक्ट्रियों में से एक के मालिक हैं। बताया जा रहा है कि लाखी परिवार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए ट्रस्ट को अब तक का सबसे बड़ा दान किया है। लाखी परिवार ने राम मंदिर के दरवाजे, गर्भभूमि, त्रिशूल, डमरू और स्तंभों के साथ साथ मंदिर के भूतल पर 14 स्वर्ण द्वारों के लिए 101 किलो सोना भेजा है। वहीं अगर हम आपको इसकी कीमत के बारे में बताएं तो इस समय करंट में सोने का जो रेट है वो चल रहा है 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस तरह से देखा जाए तो 1 किलो सोने की कीमत होती है 68 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 101 किलो सोने की कीमत होती है 68 करोड़ रुपए हुई। इस तरह से लाखी परिवार ने राम मंदिर को सबसे अधिक दान दिया है। राम मंदिर को दूसरा सबसे बड़ा दान देने वाले में से कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू का नाम है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में बैठे उनके भक्त या फिर उनके राम भक्त अनुयायियों ने भी अलग अलग से 8 करोड़ रुपए का दान दिया है। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। गोविंद भाई ढोलकिया डायमंड कंपनी श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं। राम मंदिर को दान देने के मामले में देश और दुनिया के मंदिरों में सबसे अधिक दान देने वालों में पटना का महावीर मंदिर पहले नंबर पे है। पटना के महावीर मंदिर ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब तक मंदिर ने 8 करोड़ रुपए का दान दे दिया था, लेकिन महावीर मंदिर न्यास के सचिव ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को या फिर समिति को रविवार को यानी कि किसी भी दिन उन्होंने 2 करोड़ रुपए और दिए लास्ट किश्त। तो महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। तो हमने आज के वीडियो में आपको राम मंदिर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दी कि किस किस व्यक्ति ने या फिर किन किन ने राम जन्मभूमि में अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप राम मंदिर कब जा रहे हैं अयोध्या। आप हमें ये बात जरूर बताएं और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट के लिए बने रहिए सत्योदय मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।